देखिए, देर रात्रि चौपारण थाना क्षेत्र में शराब तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है और शराब तस्कर लगातार नए नायाब तरीकों से शराब तस्करी का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चौपारण थाना प्रभारी दीपक सिंह की तत्परता के कारण उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। और ऐसी ही एक कार्रवाई देर रात्रि लगभग 3 बजे के आसपास चौपारण थाना क्षेत्र में की गई है, जहाँ से बुलेरो वाहन जिसका नंबर BR 525523 है, उससे नायाब तरीका उसके साथ अपनाया गया था। उसके जो छत के बॉक्स में मॉडिफाई कर शराब को उसमें डालकर बिहार ले जाने की तैयारी थी, उसे पुलिस के द्वारा जब गुप्त सूचना उन्हें प्राप्त हुई तो त्वरित कार्रवाई कर उसे पकड़ा गया है। आपको बता दूं, उनके जो बुलेरो वाहन है उसके छत से 16 पेटी अंग्रेजी शराब, जो अलग अलग कंपनियों के हैं, 384 पीस जो हैं, उसे लेकर शराब तस्कर बिहार जाने की तैयारी कर रहे थे। बिहार के बरही के जीटी रोड होते हुए चौपारण थाना क्षेत्र होते हुए बिहार जाने की तैयारी थी, जिसे गुप्त सूचना के बाद चोरदाहा चेक पोस्ट पर जांच पड़ताल अभियान चलाकर पकड़ा गया है। सुबह तीन बजे के लगभग जो जिस बुलेरो वाहन पर शक था, जिसकी गुप्त सूचना मिली थी, वह वाहन आती हुई पुलिस को दिखाई देती है। पुलिस को देखकर ड्राइवर जो है वाहन का, वो भागने का प्रयास करता है, लेकिन पुलिस के द्वारा उसे दौड़ाकर चौपारण थाना क्षेत्र की जो पुलिस थी उसे दौड़ाकर पकड़ लेती है। और जो अभियुक्त पकड़ा गया है वह बिहार के नालंदा जिले का रहने वाला है, हवनपुरा एक गाँव है वहाँ का रहने वाला है, रहुई थाना पड़ता है, वहाँ का रहने वाला है। और उसे पकड़कर उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। उसके पूछताछ के बाद वहाँ उसके द्वारा बताए गए बुलेरो के जहाँ पर उसने रखा था वहाँ से शराब बरामद की जाती है। तो एक बड़ी कार्रवाई है चौपारण थाना क्षेत्र में। लगातार चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध रूप से काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। उसी कार्रवाई के तहत कल फिर से एक कार्रवाई की गई है, जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तथा 16 पेटी विभिन्न कंपनियों के अंग्रेजी शराब, जो बिहार जहां पर शराबबंदी है वहां खपाने की तैयारी थी, उसे जब्त कर लिया गया है। लगातार यह कार्रवाई ऐसे ही चौपारण थाना क्षेत्र में चल रही है, आगे भी उम्मीद है ऐसी ही कार्रवाई चलती रहेगी। शशांक शेखर, न्यूज़ 22 स्कोप, हजारीबाग। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉरपोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड च्वाइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार। सेवा में है वास्तु विहार।